आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपके पेट को सबसे ज़्यादा टारगेट करती हैं, यानी कि आपके सिर्फ और सिर्फ पेट को घटाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी ना कि बहुत ज़्यादा बॉडी पर फैट नहीं है, वजन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पेट बाहर निकला है और सिर्फ हमें अपना पेट ही घटाना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज बताऊँगी जिनको करना बहुत आसान होगा और हर कोई इन एक्सरसाइज को कर सकता है। बस फ्रेंड्स, आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, इन एक्सरसाइज को आपको ब्रीथ के साथ करना है, यानी कि सांस खींचने और सांस छोड़ने के साथ। दूसरा, आपको इन एक्सरसाइज को हमेशा खाली पेट ही करना है, यानी कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपको इन एक्सरसाइज को नहीं करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा सा आपको इन एक्सरसाइज को बताने वाली हूँ। तो जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अपने दोनों पैरों के जो पंजे हैं, आपकी जो पैर हैं, उनको अच्छे से आपको इस तरीके से पास में मिला कर बैठना है, जिस तरीके से हम तितली आसन में बैठते हैं, ठीक है। दोनों हाथों को अपने सर के पीछे इस तरीके से लगा लीजिए। अब सिंपल तरीका है, पहले भी एक दो बार बताया है, सांस को छोड़ना है और नीचे की तरफ आना है जितना आप इजीली आ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, नाक से सांस को खींचा, मुंह से सांस को छोड़ना। आप चाहें तो सिर्फ सांस छोड़ने पर ही ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो सांस लेने का तरीका है वो नेचुरल होता है, वो हम ऑटोमेटिक ले लेते हैं। तो सांस छोड़ने पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके बताती हूँ इस तरीके से। 1 2 3, पेट को थोड़ा सा टारगेट करने की कोशिश करिए। 4 5 6 7 8 9 10। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी ये जो पेट का एरिया है, स्टमक एरिया है, सबसे ज़्यादा आपको टारगेट होगा। पेट आपका अंदर से टाइट होना और अंदर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी कि सिर्फ पेट निकला है, बॉडी पर फैट नहीं है, उसके लिए ये एक्सरसाइज मैजिक की तरह काम करती है। आपको फ्रेंड पूरा 25 से लेकर 30 बार करना है। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये एक योगा एक्सरसाइज है जिसको हर कोई कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से मैट पर लेट जाएंगे। ये इस तरीके से आप लेट गए तो आपको क्या करना है, घुटनों को मोड़ कर रखना है, दोनों हाथों को सर के पीछे इस तरीके से लगा लेंगे। अब वही तरीका है, सांस को छोड़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, पैर को पास लाएंगे, बिल्कुल पास नहीं लाना है, थोड़ा सा इस तरीके से। देखिए, सांस को खींचा, सांस को छोड़ा, सांस को खींचा, सांस को छोड़ा। पहले हम एक तरफ से कर लेंगे, फिर हम दूसरी तरफ से करेंगे, ठीक है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी तरफ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों तरफ से मैंने आपको 10 10 बार करके बताया है। आप इसको 15 15 बार तक भी कर सकते हैं, और इसके भी आपको इसी तरीके से फ्रेंड 2 सेट लगाना है। आप इसको करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये जो आपका पेट है वो पहले दिन से ही रिलैक्स हो रहा है। बहुत तेज़ी से आपको इस एक्सरसाइज के रिजल्ट मिलते हैं जब आप इसको खाली पेट करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो योगा एक्सरसाइज, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से लेटना है। दोनों हाथों को हम क्या है, इस तरीके से कमर के हिस्से को लगा लेंगे, और दोनों पैरों को हमें क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल सीधा रख लेना है, इस तरीके से मोड़ना नहीं है, पैर सीधे होने चाहिए।
अपनी अपर बॉडी को उठाइए और देखिए यहाँ पर आपको बहुत टारगेट महसूस होगा, यहाँ पर दबाव महसूस होगा। अब बस सिंपल सा क्या करना है, सांस को बाहर की तरफ इस तरीके से छोड़ते जाना है। इस तरीके से आपको करना है, तो टाइम लगा के कर लेंगे 20 से लेकर 25। मुझे पता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप जब करेंगे तो रिजल्ट्स आपको बहुत ही मैजिकल मिलने वाले हैं। आपका जो पेट है वो बहुत तेज़ी से कटने वाला है। 25 25 करके इस तरीके से आप 2 से लेकर 3 बार में इसको कर लीजिए। हाथों को रखा, पैरों को उठाया, अपर बॉडी को उठाया, सांस, देखिए कहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। ये आपका जो टमी एरिया है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट महसूस होगा जब आप इस तरीके से करते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। रिलैक्स हो सकता है फ्रेंड्स, जब आप इस योगा एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आपको यहाँ पर हल्का हल्का पेन महसूस हो, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपके ये जो मसल्स है पेट के वो टारगेट हो रहे हैं, आपके पेट पर थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है, इसलिए आपको पेन हो रहा है। जब आप इसको 2-3 दिन कंटिन्यू करेंगे तो पेन आपका बंद हो जाएगा। और ये पेन हो रहा है ये बहुत अच्छा है, ये ज़रूरी है, इसका मतलब ये भी है कि हाँ आपकी ये मसल्स है, ये जो पेट है वो टारगेट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पेट के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन हमारे ये मसल्स टारगेट ही नहीं होते, जिसकी वजह से फिर हमारा जो बैली फैट कम नहीं होता है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज और बताने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इस तरीके से बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे लगा लीजिए और सांस को छोड़ते होंगे, यहाँ पर टच करना है, फिर सीधा आएंगे, फिर दूसरी नी पर टच करना है, इस तरीके से। चलिए 1 3 4 5 6 सांस छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है, मैं काउंट कर रही हूँ इसलिए सही से समझा नहीं पा रही हूँ, नॉर्मल देखिए। देखिए आपको कहाँ पर टारगेट महसूस हो रहा है, आपकी टमी एरिया पर ही और ये साइड पर। कई बार ऐसा होता है ना कि पेट निकलता है और ये साइड पर भी फैट बढ़ जाता है, ये पूरा इस तरीके से फैट का बेलन सा बन जाता है। इस एक्सरसाइज से ये पूरा आपका जो फैट है चारों तरफ का पेट का कम होने वाला है। इस पेज लिए इसके बारे में बता देती हूँ कि बहुत कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ हमें बैली फैट ही कम करना है, वेट लॉस नहीं। डाइट आप अपनी अच्छी रखिए, क्लीन रखिए, बहुत ऑयली मत खाइए, शुगर वाला मत खाइए, आपको पैकिंग खाना नहीं खाना है। और जब आप खाना खाने बैठते हैं उसको थोड़ा सा अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। खाना खाने के तुरंत बाद यानी कि 30 से लेकर 40 मिनट के अंदर आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो एकदम से आपको ब्लॉटिंग हो जाती है, आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। खाना खाने के 30 से लेकर 40 मिनट बाद ही पानी पिएंगे। जब आप इस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करेंगे आपको मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ 7 से लेकर 10 दिन के अंदर ही आपको अपने पेट पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।